हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है बुलेट सिंह। और मतलब सिंपल सी एक बात है, अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं है और वो चीज़ पहले हो चुकी है, मतलब जैसे कि काफ़ी सारे बाइक है जो लॉन्च हो चुके और मुझे पता भी नहीं था, और मुझे कल शमशाद ने बताया कि पल्सर 180 न्यू लॉन्च हुआ है और हो गया है, उसमें पीछे डिस्क ब्रेक भी है। वाह, डिस्क ब्रेक है, मतलब सारी 180 देखा है कि जिसमें ना लोग ना मतलब 220 का माइक भी लेके पीछे 220 मतलब 220 का कैची भी लेके, या फिर वो एक डिस्क ब्रेक लगाने का छोटा सा रोड रहता है वो वेल्डिंग करा के डिस्क ब्रेक लगाया है 180 में। मतलब कितना खर्चा और हजाम पड़ते, कितना टाइम मतलब किया रहेगा उन लोगों ने वेस्ट। तो सो जैसे मुझे उसने बताया कि पल्सर 180 डिस्क ब्रेक में आ गया है मार्केट में। सो वाओ, ये तो अच्छा है, मतलब आप लोग भी देख सकेंगे, और लेना रहा तो सीधा डायरेक्ट जाके फ्रंट और बैक डिस्क ब्रेक दोनों साथ में पल्सर 180 में, और काफ़ी अच्छा लुक भी रहेगा, मतलब आगे भी डिस्क पीछे भी डिस्क दिखेगा। तो आप लोगों के लिए ये अच्छा है कि आपको मतलब पल्सर 180 में दोनों आगे पीछे डिस्क ब्रेक मिल रहा है और लुक भी मिल रहा है पल्सर का, एकदम पुराना पल्सर का अच्छा वाला लुक मिल रहा है। बस उसमें कमी क्या रहेगी, एक 40 cc और एक आगे का फेरिंग और एक ऑयल कूलिंग, ये फर्क रहेगा। पल्सर 180 भी ले सकते हो, पल्सर 180 भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है, और इस बाइक में बहुत कुछ चेंज किया है, मतलब इसका साउंड चेंज किया है, स्पीडोमीटर है वो चेंज किया है, स्पीडोमीटर के अंदर जो दिखता है पेट्रोलिंग का और जो अपना किलोमीटर कितना चल रहा है उसका लुक चेंज किया है। गाड़ी में ग्राफिक्स अलग है, टायर में ग्रिप अलग है। सो इतना सब कुछ तो मुझे पता चल गया है। सो आप एक बार गाड़ी को भी देख ले, तो जाते हैं नज़दीकी शोरूम में। ये है वो 180 न्यू स्पीडोमीटर, ब्लू जलता है, ओके, और बटन भी काफ़ी यूनिक्स है। तो मेन आपको दिखा दूँ मैं, इसमें कूलिंग नहीं दिया है, इसमें है सिर्फ ओनली डिस्क ब्रेक, और साउंड में थोड़ा चेंजेस है, और टायर जो है आपको मिला है, टायर आपको MRF का टायर है, ये रहा पीछे का, ऑलमोस्ट 220 जैसे ही है, सेम उतना ही बड़ा ही है, ओके। तो ये और फुल मैट ब्लैक में, सस्पेंशन भी वैसे आगे का शॉक ऑब्जर्वर देन सेम वैसे ही है, तो सिर्फ इन जो एक्स्ट्रा ऐड किया है वो डिस्क ब्रेक है। तो इसके बारे में आपको बता रहा था जो मुझे कल पता चला, ओके। और क्या कहना, बाकी जो इंजन है सेम वैसे ही है, कुछ चेंजेस नहीं है, तो लुक वैसे ही है, सिर्फ बच गया है इसमें ऑयल क्लीनिंग, तो मुझे लगता है वो भी एक दो साल में उसमें इंस्टॉल करके दे देंगे। तो छोटे छोटे अपडेट करके गाड़ी वापस से लॉन्च कर रहे हैं, और बाकी सीट वैसे ही है, थोड़ा सा सीट में लगता है चेंजेस स्मूथ है, सो नाइस। और टायर 180 का ही है, तो आप 220 का टायर भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैकल तो सेम ही है, तो 220 का टायर डाल के आप बड़ा लुक दे सकते हैं इसको। जो भी हुआ, मतलब अभी आपने शोरूम का वीडियो देखा, जो भी था जैसा था, जैसा मिला वैसा शूट किया मैंने और आपको दिखाया। सो मतलब अच्छा है ना, मतलब अगर ये चीज़ पहले किया रहता तो, मतलब पहले 180 में डिस्क ब्रेक दे दिया रहता तो आज ये अपडेट नहीं आता। तो थोड़ा थोड़ा कर करके अपडेट कर रहे हैं, 180 आया पी जो मेरे पास है देखा आपने, और फिर 180 DTS आया, वो आया, फिर 180 नया आया जिसमें पीछे भी डिस्क ब्रेक है, कुछ टाइम बाद लगता है ऐसा 180 आएगा जिसमें ऑयल कूलिंग भी होगा, और ऑयल कूलिंग भी आप आराम से लगा सकते हो, सिर्फ राइट साइड का पल्चा चेंज करना रहता है और ऑयल कूलिंग पूरा सेट लेना रहता है, आई थिंक सो। अंदर फिर ऑयल कूलिंग का पंप भी शायद वो रहेगा, वो भी देखना पड़ेगा। तो बस अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप भी कुछ जानते हो, मतलब कुछ चीज़ लॉन्च हो चुकी है और वो मुझे भी नहीं पता और बाकी लोगों को भी शायद नहीं पता होगा, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि भाई ये चीज़ भी आ गया है, तो मैं ज़रूर उसका वीडियो बनाऊंगा। मुझसे अगर होता है तो, क्योंकि शोरूम में जाऊँगा वो बाइक नहीं रहा तो फिर क्या मतलब बना के वीडियो यार, सिर्फ बोल बच्चन हो पाएगा। तो अगर वो चीज़ रहा तो उसका वीडियो बनाऊंगा, और बाकी मेरे सब्सक्राइबर और बाकी जो फ्रेंड्स हैं, लोग हैं जो यूट्यूब पे देखते हैं, छान मारते हैं, उनको भी कुछ दिख जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको और भी अपडेट में रहना है, अपडेट देखते रहना है, हल्का मुल्का न्यूज़ जैसा हो जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तो भूले ही ना। सो बाय बाय।